अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। हमने अपना पिछले वाला सबक पढ़ा था जिसमें हमने अपनी शक्लों की, आधी आधी शक्लों की पहचान करी थी, है ना, लफ्ज़ों के। अब हम देखते हैं हमें कितनी पहचान हुई है। इस सबक में हम अपनी पहचान करेंगे, है ना। मश्क, मश्क कहते हैं जो हमें पीछे बताया गया है उसकी पहचान कराएंगे इसमें, इसलिए इसका नाम मश्क रखा गया है कि पिछले को दोबारा से दोहराना। देखो ये है सौद, गीन, शीन, सीन, सौद, गीन, शीन, सीन। ये हम किस तरीके से क्यों पहचान पाए और किस तरीके से हमने इसे पहचान ली, क्योंकि हमने पिछले सबक में अपनी सारी शक्लें अच्छी तरीके से याद कर ली थी, है ना। काफ, या, मीम, गफ, च, है ना। काफ, या, मीम, गफ, च, प, ट, कफ, ऐन, नून, प, ट, कफ, ऐन, नून, है ना। ये हमें खुद बहुत, जब हमने अपनी ये वाला सबक अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इनकी शक्लों की पहचान अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो ये सबक हमें बहुत आसान पड़ेगा हमारे लिए। तभी इसका नाम मश्क रखा गया है, ताकि हमें पता चल जाए इस वाले सबक में कि हमने पिछले सबक हमारा कितना अच्छी तरीके से समझना आया है ना। तो ये वाला सबक हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा अगर हम इस वाले सबक को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, है ना। एक बार फिर और पढ़ लेते हैं। सौद, गीन, शीन, सीन, कफ, या, मीम, गफ, च, प, ट, कफ, ऐन, नून, ठीक है। ये सब अपना याद कर लीजिएगा और जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।